ये गाइस यहाँ पर कहते हैं कि पांडवों को प्यास लगी थी तो भीम ने यहाँ सिर्फ अपना घुटना मारा था। अलग अलग है ये भांगा नहीं है। और पकड़ा है तो गाइस एक बारी मैं फोन बंद कर लेता हूँ, पता नहीं बंदर है फोन ही कोस ले जाएंगे। सांगरी का दिया आपको जो राजस्थान का फेमस अचार है। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं कहीं इंटरेस्टिंग जगह पर, तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे, तो बने रहे इस वीडियो में। देखिए हमारी माँ खाना खा रही है, साथ में संतरे साथ में, और इधर खाना पकाया जा रहा है। और छोटा लाल का गया इधर तो नहीं है। और ये देखिए कुछ इस तरह से शांति बनी हुई है, तो चलते हैं। गाइस हम निकल रहे हैं, लेकिन जाना था 8 बजे, और देखो निकल कितने बजे रहे हैं, और निकल कितने बजे रहे हैं, देखो 9:38, मतलब 10 बजने वाले हैं, बताओ। तो अभी निकलते हैं, और ये देखो माँ अभी बैठे हैं। हाँ तो फाइनली गाइस हम चल दिए हैं, और ये देखिए इस रास्ते से, ये देखिए हमारे पीछे। गाइस अब आप तो पहुँच के ही दिखाते हैं आपको, और कुछ इस तरह का रास्ता है, ये देखिए। मिलते हैं 2 घंटे बाद में। फाइनली गाइस हम देखो, ये देखिए बस, ये देखिए गाइस पहाड़ों की बस्ती में आ गए हम दो। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं बढ़िया वाला लुक। फाइनली गाइस हम जहाँ पहुँचना चाहते थे डेस्टिनेशन पे, वो वहाँ पहुँच गए हैं, ये देखिए। फाइनली गाइस जहाँ आना था वहीं पर आ गए हैं हम। तो ये देखिए, देखिए गाइस ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा। यहाँ पर आए हैं, आपको कुछ रहस्यमय जानकारी देंगे यहाँ पे। देखिए गाइस इतना सुहावना मौसम है। तार की दुकानों पे दादा, देखिए गाइज यहाँ पर हम जा रहे हैं, देखिए चढ़ाई में, मतलब पहाड़ी पे चढ़ा जा रहा है। ये देखिए पहले लगता है गड्ढ थे गाइज, अभी भी सांस ही फूलने लगी है। देखिए गाइज वहाँ पे देखिए एक बारी, ये बरखंडी है, वो देखिए वहाँ पे ना तो कोई पैड़ियाँ हैं, ना बस सिर्फ पकड़ पकड़ चढ़ो वहाँ पे है। तो गाइस बता रहे हैं कच्चा रास्ता भी यहाँ पर है, तो कोशिश करेंगे जाने के लिए। और बाबा वो ये गाइस पहाड़ों का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ देखो, शांतिमय एकदम से। ये देखिए गाइस
कुछ इस तरह से। तो गाइज हम देखो यहाँ पे चल रहे हैं। मालखेत की कहानी ये है कि जब सूर्य भगवान, तो देखिए गाइज ये देखिए, ओ भाई देखिए गाइज, ओ भाई नीचे देखो कितना है, एक बार दिखाऊं तो मैं आपको, ये देखिए यहाँ से गिर जाए तो पता नहीं। दो पहाड़ थे, इनको भगवान की पूजा कर किया करते थे, वो बोलते ना विष्णु भगवान, उनकी पूजा करते थे। उनको क्या करना था कि उनकी मनोरथ पूरी करनी थी, और पूरी करने के लिए मालखेत को बोला, माल अलग थे, केतु अलग थे, ठीक है। तो माल और केतु को, पहाड़ों को बोला कि आप ये पानी का घेर लो, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा शुद्ध था। तो उसने घेर लिया, घेरने से इनसे सात धाराएं निकली। तो गाइस एक बारी मैं फोन बंद कर लेता हूँ, पता नहीं बंदर है फोन को चल जाएंगे। अभी तो बहुत दूर है, देखिए आप कितने वहां से चले, देखो पता नहीं है अभी कहाँ आए, कितनी देर में आ जाएगी, लेकिन आपके लिए चलेंगे। यहाँ पे ये है मालखेत, मालखेत की शुरुआत इसलिए हुई थी तो इसमें सात धारा निकली। तो पहली धारा तो सूर्यकुंड में पड़ती है जो लोहागढ़ में, दूसरी किरोड़े में, तीसरी शाकंभरी में, चौथी नागकुंड और पांचवी तपकेश्वर, छठी शोभावती और सातवीं गौरीकुंड। इन सात धाराएं थी जो कि पहली तो यहीं पर गिरती है, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में। तो चलते हैं दर्शन कर लेते। तो ये देखिए वो बैठा वहां पे, ये देखो आराम से बैठा है। गाइस इतना ऊंचा आके यहीं पर मोबाइल टावर पकड़ा है, देखो कितना ऊंचा आ गए। अब देख रहे होंगे छोटे छोटे घर है ना, सांस फूल गई है। तो फाइनली गाइस हमने दर्शन तो कर लिए यहाँ पर, और ये देखिए हम उतर रहे हैं, एक बार उतर जाते हैं, अरे यहाँ से गिर जाए तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए गाइस, ये गाइस यहाँ पर कहते हैं कि पांडवों को प्यास लगी थी, तो भीम ने यहाँ सिर्फ अपना घुटना मारा था, घुटने की वजह से देखो कितना बड़ा छेद हो गया है, और इनसे उनकी प्यास बुझी थी। और भीम गुफा, और गाइस आपको दिखाते हैं, ये देखो कुछ इस तरह का कचरा हुआ है, और यहाँ दिखाते हैं आपके भीम की गुफा जो यहाँ पर रहा करते थे वो। ये भीम गुफा है, अंदर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, ये देखिए। अब ये देखिए इसको किस तरह से गंदा कर दिया गया है, भारत में यही है, चाहे गंगा नदी को देख लो, चाहे ये भीमकुंड को देख लो, ये में पांडव गंद सारे अज्ञातवास काटने के लिए आए थे। गाइस कुछ इस तरह से देखो, पहाड़ों की नगरी है। तो फाइनली गाइस हम पहुंचे हैं इस दुकान के ऊपर जो यहाँ पर बिक रहा है अचार, प्रसिद्ध अचार है देखिए। और ये भाई ने दिया हमको, ये देखिए इसकी गारंटी बता रहे हैं, केयर का चार है, लगभग बता रहे हैं कि केयर का दो साल तक खराब नहीं होगा, दो साल तक खराब नहीं होगा बताओ। और ये भैया ये केरी का आम का चार कम से कम 12 महीने खराब नहीं होगा, देसी केरी का जाली वाली केरी का है। बताओ लोहागढ़ जी का जो फेमस अचार होता है ना वो केरी का चार ही होता है। तो दोस्त अगर आप भी यहीं से हो अगर आओ तो इस दुकान पे आ जाइए। आप सांगरी का दिया आपको जो राजस्थान का फेमस अचार है, राजस्थान का फेमस अचार केर सांगरी का अचार है वो दिया आपको। और जैसे मिर्ची का देसी का है, नींबू का मीठा अचार है जो पाचन क्रिया को बढ़ाता है, लहसुन का अचार है देसी लहसुन का, वो ये खून को फिल्टर करता है और हार्ट की पेशेंट रहता है उसके लिए बढ़िया रहता है। देखो डायबिटीज अगर हार्ट पेशेंट हो तो ये आप इसके ये बढ़िया है, लहसुन का बढ़िया है, सबसे बेस्ट अचार ये है। और काचरी का है, केर का अचार है, देसवे का अचार है, मिर्च का अचार है, ये देखिए आंवले का मुरब्बा है, ये मुरब्बा है देखो, ये कच्ची हल्दी का अचार है, किसी के कमर में कोई पैरों में कोई दर्द रहता है, मतलब घुटनों में जो भी है दर्द हो, डॉक्टरों को देखकर आ जाते हैं 200 रुपए फीस, लेकिन 100 रुपए का एक किलो है, 100 रुपए का एक किलो है, आयुर्वेदिक औषधि है ये, आयुर्वेदिक औषधि। तो गाइस जब भी आओ तो एक बारी यहाँ पे जरूर आना। 20 साल पुरानी दुकान है तिरुपति बालाजी अचार उद्योग लोहागढ़ जी का फेमस। तो भाई आपके नंबर बता दो एक बार। मेरा नाम है युवराज स्वामी वैष्णव और गांव है उदयपुर वाटी, मेरे नंबर है 99 83
64 18 93। आपको गाइस मैं पीछे पीछे और मेरा भाई आगे आगे, एक देखो देखो एक दुकान से निकलेगा और दूसरे में देखो देखो, देखो देखते रहिए, एक से निकलेगा, लेना कुछ नहीं है सिर्फ देखना, घूमने बहुत मजा आता है। अब देखिए यहाँ से चल दिया, अब देखिए बाइक अपने न्यूट्रल में चल रही है, ढलान है पहाड़ पे। ये देखिए गाइस कुल्फी लेके आ रहा है, यो क्या है, अलग 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 है, ये भांगा नहीं है, ये खाते हैं भाई गाइस। भूख लगाइए जोर की, हाँ ये बना रहे हैं बर्गर, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। देखिए फाइनली गाइस ये देखो बर्गर आ चुकी है, इसको खाते हैं, हाँ साथ में कोल्ड ड्रिंक खड़ी हुई गंध है ना, अब चलते हैं इससे, अभी खा लिया एनर्जी देखो। तो फाइनली गाइस हम चलती हैं घर के लिए, और ये देखिए नीचे बैठा हुआ है, कल गाइस मिलते हैं घर पर, तो तब तक के लिए वेट करें। सही 2 घंटे बाद में पहुंचेंगे, मतलब 2 घंटे दूर है यहाँ से, आ गए हैं लगभग, लगा है मतलब 1 घंटा 40 मिनट लगे पहुंचे हैं। यार ये देखो हमारी वाइफ पकड़ा हुआ पानी लेके आई है, ये देखिए गाइस इनको जानते होंगे तो दुकान दुकान है, और ये हमारी माता, और ये देखिए झाड़ू निकाल रही है, और ये देखिए चाय पी रहे हैं, और ये परदेशी बाबू ये आते हैं कभी कभी गाइज। ब्लॉग कैसा लगा, अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय।